तो यहाँ पर आपको इस तरह बॉक्स मिल जाएगा। ऊपर की साइड में देख सकते हैं ये पैकेजिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर साइड में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। नीचे वो वार्निंग दिया गया कि अगर आप सनलाइट के डायरेक्ट इसको यूज करते हैं, मतलब कि दोस्तों आंख में लगा के लेंस को सनलाइट की तरफ देखते हैं, तो आपके आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। और सामने की तरफ आपको पिक्चर देखने को मिल जाएंगे, तीन पिक्चर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें बैकग्राउंड ब्लर दिख रहा है, आपको क्वालिटी दिख रही है, ये सब आपको लेंस में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसके अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और यहाँ पर कुछ भी बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, और इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। ये दोस्तों है स्टैंड, मतलब दोस्तों अगर आप इसमें मोबाइल फंसाते हैं तो आपका जो मोबाइल है स्टेबल रहेगा, तो इसे हम साइड में रख देते हैं। और आपको ये मिल जाता है छोटा सा ट्राईपोड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसमें लगा लेते हैं इस तरह, इसे हम टाइट कर लेते हैं, ओके, एक छोटा सा ट्राईपोड हो जाएगा। आप इसे खड़ा करके और आसानी से फोटो कैप्चर कर सकते हैं। जब आप लेंस लगाएंगे तो आपका मोबाइल बिल्कुल भी शेक नहीं करेगा, हिलेगा नहीं, तो ये बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। सभी लेंसों में आपको नहीं मिल जाता, और उसके अलावा आपको एक ग्रिप मिल जाता है, इससे आप मोबाइल को एडजस्ट कर सकते हैं, लेंस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम निकाल लेते हैं अपने लेंस को। तो लेंस यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये बैग है ब्लैक कलर का, इसके अंदर लेंस है। तो यहाँ पर आपको कुछ पर्ची मिल जाती है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। और आपको एक छोटा सा क्लॉथ मिल जाता है, इसे आप अपने लेंस को साफ कर सकते हैं, आप मोबाइल को भी साफ कर सकते हैं, मोबाइल स्क्रीन को, तो इसे हम साइड में रख देते हैं। अब चलिए दोस्तों आपको लेंस दिखा देते हैं। लेंस दोस्तों आपको कुछ इस तरह नज़र आएगा, शायद आपको लेंस बहुत ही भारी नज़र आ रहा है, बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन दोस्तों ये उतना बड़ा भी नहीं है, है लेकिन दोस्तों उतना मीडियम साइज में है, ये आपके मोबाइल में एडजस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलता है, खाली है बैग, साइड में रख देते हैं। अब हम लेंस के बारे में आपको कुछ बता देते हैं। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप फोकस करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो इसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकते हैं। और यहाँ पर मेंशन दिया गया डे एंड नाइट के लिए है, तो यहाँ पर आपको दो फोकस ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर पहला ये है और दूसरा यहाँ पर दिया गया है। ये दो फोकस ऑप्शन सभी लेंस में नहीं पाया जाता है, इस लेंस में आपको मिल जाता है। और ऊपर की साइड में आपको कुछ इस तरह नज़र आने वाला है, अगर आप फोकस करते हैं तो आउट फोकस करते हैं, इन फोकस करते हैं, एक दूरबीन की तरह आप इस लेंस को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी दूर की चीज़ को पास देखने के लिए आप इसे बहुत ही बढ़िया यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे मोबाइल में सेट कर देते हैं, कैसे सेट करना है हम आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास आसूस का मोबाइल है, ये लेंस सभी मोबाइल में सपोर्ट करेगा, आपका मोबाइल चाहे जिस कंपनी का हो। तो सबसे पहले आप ये छोटा वाला ट्राइपॉड को मोबाइल में सेट कर लीजिए, इस तरह सेट हो जाएगा, और इस तरह आप इसे खड़ा भी कर सकते हैं बढ़िया। लेंस को मोबाइल में सेट करने के लिए आपको एक प्लास्टिक मिल जाता है, ये दोस्तों आपको सेट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह आपको घुमा लेना है, इस तरह एडजस्ट कर लेना है, ओके, हम एडजस्ट कर लेते हैं। और एक छोटा सा बोल्ट मिल जाता है, आपको यहाँ पर इसको लगा लेना है। तो चलिए दोस्तों इसे ट्राईपोड में आप फंसा लेते हैं। ट्राईपोड में लगाने के लिए सबसे पहले हम मोबाइल को निकाल लेते हैं, ओके, आपको इस तरह लगाना है, तो इसे हम कर लेते हैं फिट, ओके, इसको हम निकाल लेते हैं बाहर ताकि आसानी से फिट हो सके, जल्दी से फिट हो सके। इस तरह आपको घुमा के टाइट कर लेना है, अगर आपका जो स्टैंड ढीला पड़ जाता है तो आपको इसकी मदद से टाइट कर लेना है, ओके दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं टाइट हो गया है। पहले तो आपको इस ट्राईपोड को मोबाइल में एडजस्ट कर लेना है सेम इस तरह, ताकि दोस्तों जो एडजस्ट करने में आपको दिक्कत ना हो। और आपको देख लेना है आपको जो कैमरा है इस होल में नज़र आ रहा है या नहीं, अगर नज़र आ रहा है तो परफेक्ट सेट है। तो इसे हम और टाइट कर देते हैं हल्का सा, ओके, थोड़ा सा हिल डुल रहा है, तो इसको हम लगा देते हैं, ओके दोस्तों, इस तरह आपको कुछ देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आप इसमें वीडियो बना सकते हैं, फोटो भी कैप्चर कर सकते हैं, और दूर की चीज़ बहुत ही पास देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बाहर चलते हैं, इस लेंस की क्वालिटी दिखा देते हैं और फोटो आपको कैप्चर करके दिखा देते हैं। तो हम बाहर आ चुके हैं, तो सबसे पहले हम आपको इस लेंस से वीडियो बैकग्राउंड को ब्लर करके दिखा देते हैं। यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है और हमने इसको फोकस कर लिया है, आगे से घुमाएंगे तो फोकस हो जाएगा, और यहाँ से हम वीडियो बना लेते हैं। और वीडियो बैकग्राउंड देख लीजिए दोस्तों, वो 100% ब्लर है, और दोस्तों इस तरह DSLR जैसा ब्लर आपको नज़र आ रहा है। आप TikTok वीडियो बना सकते हैं, लाइक वीडियो बना सकते हैं, और YouTube भी वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों बहुत ही गजब का, आप यहाँ पर कोई भी वीडियो बना सकते हैं, और दोस्तों वीडियो बैकग्राउंड ब्लर भी कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम आपको इस लेंस की जूमिंग पावर दिखा देते हैं। रिलायंस टावर आप देख सकते हैं, और हमारे मोबाइल में देख सकते हैं कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जूम कर सकते हैं इस लेंस से,
किसी भी चीज़ को अगर आप पास में देखना चाहते हैं तो इस लेंस से बहुत ही आसानी दे सकते हैं। अगर आप अपने आँख में इसको लेंस को लगाना चाहते हैं, मतलब कि दोस्तों आँख के द्वारा देखना चाहते हैं, तो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।